अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ्रेश राजमा। इट्स वेरी हेल्दी रेसिपी एंड हैज सो मेनी बेनिफिट्स। ये सीज़न में फ्रेश राजमा बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। 1.5 कप फ्रेश ताज़ी राजमा लें। हम इसे बॉईल करके लेंगे। एक स्मॉल कुकर लीजिए, उसमें ताज़ी राजमा डालें, 1.5 कप पानी डालिए, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक डालिए। इट कंटेन्स मोर प्रोटीन एंड लेस फैट। एक बॉईल लीजिए मीडियम फ्लेम पर, कुकर की लीड लगाइए, ढक्कन लगाइए और 3 विसल ले और गैस को बंद कर दें। 1 बिग टोमेटो मैंने यूज़ किया है, 1/2 कप टोमेटो प्यूरी बनाकर रेडी करके साइड में रख दें। ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, 3 विसल परफेक्ट है। एक पैन लीजिए, उसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालिए, 1 कप फाइनली चॉप प्याज डालिए बारीक कटी हुई। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें उसको फ्राई करना है। हल्का सुनहरा रंग आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 मिनट अच्छे से मिक्स करके लीजिए। 2 मिनट बाद उसमें सारे ड्राई स्पाइसेस डालिए, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक। 5 मिनट अच्छे से भून कर ले मसालों को। 3-4 टाइम्स बीच में 1/1 टेबल स्पून पानी डालिए और अच्छे से भून कर लीजिए मसाले को। 5 मिनट के बाद ताज़ी राजमा डालिए जो हमने बॉईल किए थे, उसके पानी के साथ डालिए। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो 1/2 कप पानी ऐड कीजिए। अच्छे से मिक्स करके ले एक बार। एक हरी मिर्च स्लिट कट करके डालिए। लो फ्लेम पर ढककर कुक करिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद गैस बंद कर दें। ग्रेवी चेक कीजिए, अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो और पानी ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया बारीक कटा हुआ स्प्रिंकल करिए। राजमा रेडी है, इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कीजिए। सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। डिलीशियस।